हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स में चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक, तो अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास खूब सारे वेरिएबल्स हैं, साथ में उनके कोफिशियंट हैं और साथ में उसमें कॉन्स्टेंट टर्म्स भी मौजूद हैं, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको यहाँ पे बोर्ड पे खूब सारे एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है। ठीक, तो अगर हम पहले वाला एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3x² + 5x + 3 दिया हुआ है। ठीक, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल भी प्रेजेंट है, इसमें कोफिशियंट भी प्रेजेंट है और इसमें कॉन्स्टेंट टर्म्स भी प्रेजेंट है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में देखूं तो इसमें एक ही टाइप का वेरिएबल प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे एक्स है, बस इसकी पावर अलग अलग चेंज हो रही है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का जो कोफिशियंट है वो 1 है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो 3 है, एक्स का जो कोफिशियंट है वो 5 है और साथ में इसमें 3 है कॉन्स्टेंट टर्म दिया हुआ है, इसलिए ये पूरे का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल है। इसी टाइप से अगर मैं दूसरा एक्सप्रेशन देखूं तो इसमें भी मेरे पास एक्स की पावर 4 प्लस 5 एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 2 प्लस 3 एक्स की पावर 2 इंटू वाई प्लस एक्स प्लस 7 दिया हुआ है। ठीक, तो अब यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक्स भी है और साथ में वाई भी है और इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट भी नजर आ रहे हैं हमें और साथ में कॉन्स्टेंट टर्म भी हमें नजर आ रही है। ठीक, तो इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक, फर्क इतना है कि जो पहला वाला पॉलिनोमियल था उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था तो इसलिए वो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल हमारे पास तो ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है। और इसी टाइप से अगर तीसरा वाला मैं देखूं तो इसमें हमारे पास 3-3 वेरिएबल्स हो गए, एक्स वाई जेड भी आ गया। ठीक, तो यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स भी प्रेजेंट है, साथ में इनके कोफिशिएंट भी प्रेजेंट है और साथ में कॉन्स्टेंट टर्म भी प्रेजेंट है, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट है। ठीक, तो इस टाइप से हम पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम बात करेंगे सिर्फ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की, तो हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पे। ठीक, तो हम पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों जो है वो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। पहला एक्सप्रेशन देखें तो 2x + 5 है, तो यहाँ पे क्योंकि एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, और यहाँ पे क्योंकि इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक, इसी टाइप से अगर हम दूसरा एक्सप्रेशन देखें तो इसमें भी एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है तो इसलिए ये पॉलिनोमियल भी पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, साथ में इसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी हाईएस्ट पावर हमें 2 दिख रही है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसी टाइप से हमारे पास जो तीसरा पॉलिनोमियल है इसमें भी एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है तो ये भी पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है और इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक, तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे इस पॉलिनोमियल में यहाँ पे जो एक्स वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री यहाँ पे 1 है। इसी टाइप से इस वाले पॉलिनोमियल में जो एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है तो इस वेरिएबल की जो डिग्री है वो 2 है। इसी टाइप से अगर तीसरे वाले एक्सप्रेशन में देखें तो यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी जो डिग्री होगी वो यहाँ पे 3 होगी। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में हमें कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, तो उसमें जो सबसे पहली चीज ध्यान रखने लायक है वो ये कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसकी पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है उसकी पावर 1/2 दिख रही है हमें क्योंकि अंडर रूट में। इसी टाइप से कभी भी किसी पॉलिनोमियल की जो पावर होगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x की पावर -2 है तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसी टाइप से अगर कोई एक्सप्रेशन हमें इस टाइप का दिख रहा हो जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो अपॉन में हो यानी फ्रैक्शन में हो तो उसको भी हम पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के अगर आपके पास एक्सप्रेशन है तो उनको आप पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हो। तो आज हमने डिस्कस किया पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स को, तो अब इस पे जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।